हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देखने वाले लेकिन स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं करूँगा अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू इस नोकिया C1 का। जी हाँ, मेरे पास नोकिया C1 आ गया है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन कितना अच्छा है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिव्यू भी करूँगा। क्योंकि ये फ़ोन मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो अनबॉक्सिंग नहीं हुई, एक तरह की अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। लेकिन आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो इसकी प्राइसिंग की बात करो तो पाकिस्तान में ये फ़ोन 7,850 रुपीज़ में आता है। मतलब समझ लें, एक तरह का एंट्री लेवल फ़ोन, एंट्री लेवल से भी नीचे का। मतलब इस प्राइसिंग में आपको जो है फीचर फ़ोन मिलते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो बहुत ही कम मिलते हैं अच्छी कंपनी के। तो नोकिया ने यहाँ पर ये फ़ोन निकाला है, देखते हैं कि कैसा है ये फ़ोन। तो स्टार्ट करता हूँ, लेट्स ओपन दिस बॉक्स। ऐसे जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको मिलता है मोबाइल, ये इसी तरह पैक था। यहाँ पर ये मोबाइल है, इसको साइड में रख देते हैं, आपको बताता हूँ और क्या मिलता है बॉक्स में। तो यहाँ पर आप जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है जो कि 1 एम्स का चार्जर है। एक यहाँ पर डेटा केबल मिलती है, माइक्रो USB ऑफकोर्स, और एक यहाँ पर मिलता है हैंड फ्री, जो कि नोकिया की बहुत पुरानी हैंड फ्री है, बहुत पुराने स्टाइल की है। लेकिन इस प्राइस में हैंड फ्री इंक्लूड करिए, ये बड़ी बात है। मतलब इस प्राइस में तो आपको जो भी चीज़ मिले गनीमत है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्राइसिंग में इतनी अच्छी कंपनी की जानिब से एंड्रॉयड फ़ोन आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, इसको कर देता हूँ साइड में, फ़ोन की बात करते हैं। तो यहाँ पर लुक देख सकते हैं, कुछ ऐसा लुक है इस फ़ोन का, काफ़ी स्टाइलिश है, देखने में अच्छा है। मैट फिनिश है, प्लास्टिक है लेकिन फिनिश मैट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक कैमरा मिलता है फ्लैश के साथ, ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इस प्राइसिंग में ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। मतलब इस प्राइसिंग में आपको, अगर मैं बात करूँ दूसरे ब्रांड्स की, तो वहाँ पर कुछ चाइना जैसा कैमरा मिलता है, मतलब 2 मेगापिक्सल तो ये कम का कैमरा मिलता है, VGA कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर कैमरा काफ़ी अच्छा है, नोकिया की ब्रांडिंग है, नीचे स्पीकर है, साइड पे जो है आपको पावर का बटन मिलता है, वॉल्यूम लॉक की मिलती है, और नीचे की तरफ आपको जो है माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है, एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है, जो कि वो भी इस प्राइस में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलना बहुत अच्छी बात है। और इस तरफ आपको जो है गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है। अब वाकई ही इस प्राइसिंग में आपको गूगल असिस्टेंट का एक डेडिकेटेड बटन मिल रहा है, जो कि आई थिंक अनबिलीवेबल है। मतलब नोकिया ने ये फ़ोन लॉन्च करके आई थिंक बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको कोई भी फ़ोन नहीं मिलता। और नोकिया के अभी रिसेंटली जितने भी फ़ोन आए उनमें कोई इतनी खास बात नहीं है, लेकिन ये फ़ोन अपनी प्राइसिंग को जस्टिफाई करता है। अब यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को ऑन कर लिया है, मतलब मैं तो 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर मैं बात करूँ इसके की फ़ीचर की, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ इसकी डिस्प्ले की। ये डिस्प्ले है 480 पिक्सल्स का, यहाँ पर आपको जो है 5.4 इंच डिस्प्ले मिलता है। लेकिन अगेन, इस डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक IPS एचडी पैनल है और इस डिस्प्ले की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके व्यूइंग एंगल, अगर आप इसको अपना किसी भी व्यू से देखो तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज़ करो तो ये विजिबल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विजिबल नहीं होता। तो जो क्वालिटी है इसके डिस्प्ले की, देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले जो है इसका बिल्कुल ब्राइट कर दिया है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है इसके डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं डिस्प्ले ब्राइट करने के बाद, इतना ब्राइट डिस्प्ले है कि मेरा जो कैमरा है वो सही से इसको फोकस भी नहीं कर पा रहा, तो मैं इसकी जो है ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। तो डिस्प्ले बहुत अच्छा है, IPS LCD इस प्राइस में देना एक और अच्छी बात है। अब कुछ लोग बोल लेंगे यार 480 मेगा पिक्सल्स है, बहुत कम पिक्सल रेशियो है, क्या आपको वीडियो देखी। तो एक बात याद रखें, ये फ़ोन बहुत कम प्राइसिंग का है, तो इस प्राइसिंग में ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं बात करूँ अगर इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पर 1.3 क्वाड कोर प्रोसेसर है। अब ये नोकिया ने बताया नहीं कि कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पर आपको 16 GB बिल्ट इन मेमोरी मिलती है और 1 GB रैम मिलती है। और जो 16 GB बिल्ट इन मेमोरी है, ये भी इस मोबाइल का की फीचर है, क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको ज़्यादातर 8 GB बिल्ट इन मेमोरी वाले फ़ोन मिलते हैं, वो भी उन ब्रांड से जिन ब्रांड को आपने कभी देखा नहीं हो, कभी जानते ना हो, वो भी इस प्राइसिंग में आपको 8 GB देते हैं। लेकिन नोकिया ने यहाँ पर आपको 16 GB दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन, ये भी बहुत एक प्लस पॉइंट है इस फ़ोन के लिए।
अब मैं बात करूँ अगर इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, मतलब मैं इतना से यूज़ कर रहा हूँ, 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो 2 दिन में मैंने इसको परफॉर्मेंस को क्या नोट किया। सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ नोट करी, ये बहुत ज़्यादा स्नैपी है। मतलब ये है कि अगर आपको इसको जो है डे टू डे यूज के लिए यूज़ करना है तो ये बहुत ज़्यादा स्नैपी है। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह खोलोगे इसकी अपनी, तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होता। फेसबुक वगैरह इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह आराम से यूज़ कर सकते हो, छोटे मोटे गेम खेल सकते हो। ये मोबाइल हैंग नहीं होता, मतलब ये एक सरप्राइजिंग सी बात है कि इस मोबाइल में मैंने जितनी भी अभी टास्किंग करी है और इसमें यहाँ पर मैंने हैंग होते हुए इस मोबाइल को नहीं देखा। जबकि इस प्राइसिंग के मोबाइल आप छोटे से छोटा काम करो उसमें भी हैंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हैंग नहीं होता, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करता हूँ कैमरे की। इस प्राइसिंग के जो कैमरे मोबाइल होते हैं उनमें इससे पहले, इस मोबाइल के आने से पहले जितने भी मोबाइल थे उसमें कैमरा हो या ना हो एक ही बात है, कि कैमरा होता भी था तो कैमरे की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर जो कैमरा आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब जिसका जो इसका जो इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको जो है इस वीडियो के बाद इसकी पिक्चर्स और वीडियो क्वालिटी भी दिखा दूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छी क्वालिटी है इसकी, कितनी अच्छी जो है पिक्चर है इसकी। तो यहाँ पर आपको फ्रंट पे भी जो है 5 मेगापिक्सल की पिक्चर मिलती है। बैक पे मैं आपको पिक्चर लेके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा जो है सनारियो है। यहाँ पर जो लाइटनिंग है काफ़ी अच्छी की थी मैंने, तो एक पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर ले ली, काफ़ी जल्दी कैप्चर की वैसे इतने पिक्चर। एक और बार करते हैं 1 सेकेंड, बहुत स्पीड में कैप्चर कर रहा है पिक्चर, जबकि इस प्राइसिंग के जो फ़ोन होते हैं वो पिक्चर खींचने में बहुत टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ पिक्चर ऐसी आई है, मैं अगर आप फोकस कर दूँ तो देख सकते हैं कुछ ऐसी पिक्चर आई है। पिक्चर की क्वालिटी ठीक है लेकिन थोड़ी सी हिल गई है, आई थिंक इसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टिल रह के पिक्चर लेनी पड़ेगी। तो पिक्चर क्वालिटी इस प्राइसिंग के हिसाब से अच्छी है, नॉर्मल है। अब बात करता हूँ इसकी बैटरी की। यहाँ पर आपको 2500 mAh की बैटरी मिली है और आप चार्जिंग देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ अभी काफ़ी चार्ज है ये। जब से आया मैंने इसको चार्ज नहीं किया, 2 दिन हो गए और 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, 2 दिन से इसको मैंने चार्ज नहीं किया है और अभी भी इसके अंदर चार्जिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि चार्जिंग जो है कितनी अच्छी है, 2500 mAh की बैटरी तो है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन है वो भी कम रेजोल्यूशन पे है, प्रोसेसर भी इतना खास नहीं है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ही चल जाएगा। अब बात करें इसके एक्स्ट्रा फीचर की, तो यहाँ पर कुछ ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिलती है। इसका बैक पैनल जो है खुलता है, उसके बाद जो है आप उसको बैटरी लगा के ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। और बात करूँ तो इसके फ्रंट पे भी आपको जो है वो फ्लैश मिलता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस प्राइसिंग में, बहुत अच्छा जो है नोकिया ने फ़ोन निकाला है। तो फाइनली ये है कि जो बंदा फ़ोन ले रहा है, जैसे कि जो बंदा पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन ले रहा है, चाहता है कि सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करूँ, तो उसके लिए नोकिया C1 बेस्ट चॉइस है। तो ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि नोकिया C1 आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।